नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज की इस एपिसोड में इरेडा स्टॉक को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस स्टॉक को लेकर के काफी क्वेरी आते दिख रहे हैं। तो आगे के ट्रेंड और रिसेंट के न्यूज को समझे इससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन के लिंक से अकाउंट ओपन कर लें और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करेंगे। प्रीमियम टेलीग्राम बिल्कुल फ्री है तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं और बाजार के लर्निंग्स के लिए आप चाहे तो हमारे मास्टर क्लास को ज्वाइन करें, उसके सभी डिटेल्स आपको प्रीमियम टेलीग्राम के लिंक मैसेज पे मिल जाएगा। इरेडा स्टॉक में एक बड़ी खबर आई, टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर का लगभग 55% यानी लगभग 147 करोड़ शेयर जो है लॉक इन पीरियड से हटने वाला है मई के महीने में। तो एक बड़ा सप्लाई, एक बड़ा इनफ्लो आते दिख सकता है, जिसके कारण थोड़ा बहुत ये स्टॉक लोअर साइड में पैनिक करते दिख सकता है। शायद आपको याद हो 185 के प्राइस पे हमने इस स्टॉक को एग्जिट करा था और हमने कहा था कि शॉर्ट टर्म के व्यूज निगेटिव लग रहे हैं और ऑल टाइम हाई 210-15 के आसपास से ये स्टॉक देखेंगे तो लगभग 35% करेक्ट होते दिखा है। मैंने एग्जिट कर लिया या 35% करेक्शन हुई, इसका ये मतलब नहीं है कि स्टॉक बिल्कुल खराब हो गया। फंडामेंटली अभी भी बेहतर स्टॉक है, 40,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, 75% गवर्नमेंट ऑन करती है और रेन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर के अंदर जो है ये फाइनेंस करती है। रिसेंट में हमने देखा कि पीएनबी के साथ कोलैब करा था, साथ में ही ईवी के अंदर जो कंज्यूमर है उसको भी कंपनी फाइनेंस करेगी। तो लॉन्ग टर्म व्यूज तो मेरे स्ट्रांग है, लेकिन इस समय शॉर्ट टर्म में थोड़ा वोलेटिलिटी और लोअर साइड के ट्रेंड दिख सकते हैं। फिलहाल ये स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। 150 रुपीज का जो प्राइस है वो 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज का प्राइस है और इस समय ये स्टॉक 147 पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो बिल्कुल कॉशन बरतेंगे, इस स्टॉक में तभी बने रहें जब आपका होराइजन मोर देन 2 ईयर टू 5 ईयर है, क्योंकि रिन्यूएबल सेक्टर ही जो है वो आउटस्टैंडिंग है नेक्स्ट 3 ईयर टू 5 ईयर के लिए। हालांकि ये स्टॉक ऑलरेडी लिस्टिंग प्राइस से लगभग 300-400% के रिटर्न दिए हैं और यहां टाइम करेक्शन होते दिखेगा। अगर बेस्ट वैल्यू बाइंग जोन की बात की जाए तो आई पर्सनली थिंक कि पहला जो बाइंग जोन है वो 120 से लेकर के 135 के बीच का है और दूसरा जोन 95-110 के बीच का है। तो ये ऐसा दो जोन है जहां आप इस स्टॉक को एक्युमुलेट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पस से। बाकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो अपने लेवल्स को स्ट्रांगली फॉलो करेंगे, उसको बिल्कुल अनफॉलो करने से बचेंगे। तो आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा। इसके अलावा की क्वेरी कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।